बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए कि मुल्क तरक्की की तरफ जाए? सर यहाँ पर तो बड़े ही आपस में लड़ी जा रहे हैं, अवाम ने तो लड़ना ही लड़ना। सर कैसे देखते हैं सिनेरियोस को कि दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही हैं और बीच में हमारे गवर्नमेंट इदारे भी बीच में आए हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट में लड़ी जा रही है, तो अवाम के बारे में हम तरक्की के बारे में कब सोचेंगे अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो? इन्होंने तरक्की के बारे में कुछ नहीं सोचना, इन्होंने सिर्फ अपना सोचना है कि हमने कुर्सी कैसे छीननी है एक दूसरे की, सिर्फ अपने मुफाद की तरफ, चाहे नवाज शरीफ है, परवेज इलाही है, चाहे अपना ये इमरान खान है। ये देखें ना, अब मके आज तक इमरान ने महंगाई के सिलसिले में कुछ किया है? कोई स्ट्राइक नहीं, कोई बात तक नहीं की, सिर्फ ये अपनी कुर्सियों का है कि यार मके पता ही क्या है, पंजाब असम्बली तोड़ दो, केपी के असम्बली तोड़ दो, कि मेरी सीट आनी चाहिए, पीएम मुझे बनना चाहिए, और कोई सरोकार नहीं है। बस सर कैसे देखते हैं आप, दुख होता है कि जब आप मुल्क को इस हालात में देखते हैं, और क्या आपको दुख होता है कि जब दूसरी कंट्रीज़ को जब आप देखते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं, अफगानिस्तान, इंडिया और उसके बाद बांग्लादेश को देख लें सर, कहां पर कितना तरक्की कर रहे हैं। सर वो हम उनसे अलग हुए थे इंडिया से कि तरक्की करें, क्या हमने डिवेलपमेंट की, क्या हमने उस किस्म की तरक्की कर ली जितना आज इंडिया तरक्की कर रहा है? नहीं, वो तो एक उनकी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग ये है कि हम खाएं, लूटें और बाहर ले जाएं। इनका इस आवाम के साथ जब से पाकिस्तान बना है, इनको लूट के खाए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो जनरल ज़िया उल हक था और मुशर्रफ था, उन्होंने पैसा कुछ जमा किया, कुछ आवाम के लिए कुछ थोड़ा बहुत किया। ये तो मके अगर 10 रुपये लगाते हैं तो मके 100 रुपये इन्होंने खुद खाने होते हैं। सर अभी मैं इखलाक की और यूनिटी की, एक मुल्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। अभी लोकल इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, कर्नाटका उनका एक स्टेट है, वहाँ पर इलेक्शन हुए तो वहाँ से बीजेपी की गवर्नमेंट हार गई, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हार गई, कांग्रेस जीत गई। तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको कहा कि भाई मुझे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको जीत मिली। यहाँ पर तो सर उल्टा निज़ाम है, यहाँ पर एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, मुबारकबाद तो दूर की बात है। सर क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर इतनी इतफाक और यूनिटी कैसे है, और इसी यूनिटी की वजह सर वो देखे तरक्की कर गए? बिल्कुल यही बात आप कल की देख रहे हैं, कल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनके अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे, अगर शहबाज शरीफ पार्टी जीत गई तो इसने कहना मैं नहीं मानता, बेईमानी हुई है, अगर ये जीत जाएगा इसको तो जीतने, ये तो जीता पड़ा है, लेकिन इसने ऐसी हरकतें की हैं कि जिस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई, अब इसको तो आने नहीं देना किसी ने, जितने इसके ऊपर केस हैं। अब देखे ना, चीफ जस्टिस न्यूट्रल बंदा होता है, वो उसके साथ कैसे मसरी गाड़ी अपनी भेज रहा है, उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, मुजरमों के साथ, चाहे मुजरम नहीं है वो, लेकिन मुजरम की लिस्ट में तो था, पकड़ा गया है, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल पूरा दे के ना मतलब उनको फौज को एक साइड पे कर दिया है, इसको बताया कि यार हम किसी के एजेंट हैं। अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना तो हमें कौन से ऐसे अमाल जो कि करने चाहिए, कौन से ऐसे तब्दीलियाँ के जो कि करनी चाहिए जो कि हम तरक्की की तरफ चले जाए? ये तो को अल्लाह का बंदा को दरवेश आएगा तो वो करेगा, हज़रत उमर फ़ारूक की तर्ज के ऊपर, वरना जो भी हालात हमारे जा रहे हैं, जिसका पैसा है, मेरे कहने का बद आप देख लें कि ये अपना अलीम खान था, जंगी तरीन था, उसने कैसे बैग बार बार के जाके MNA खरीदे, MPA खरीदे, क्या कुछ किया, जब ऐसे हम अगर लोगों को आगे लगाया जाएगा वो फिर मुल्क का क्या होगा, इस यही नतीजे होंगे। आते ही उसने चीनी कितनी महंगी है स्टॉक करके, उसने चीनी अपना कैसे क्या कुछ की, इसी तरह ये बहुत मुश्किल है। सर आपको लगता है कि खाली इमरान खान साहब अकेले पूरी तब्दीली ला सकते हैं, क्या इस मुल्क का निज़ाम तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो कि 75 सालों से चलते हुए आ रहे हैं? नहीं, इमरान खान का तो पता ही नहीं यार, ये बंदा क्या है इसका नहीं पता, हो सकता है ये बंदा अगर सही हो तो फिर ये ठीक भी कर सकता है, लेकिन वो 1/3 की अक्सरियत से आए। कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर जो पाकिस्तान के मौजूदा हैं किसी पर भी यकीन नहीं आपको? यार आप देख लेना क्या हो रहा है, हमारी फौज जो है एक न्यूट्रल अदारा था, उस पर को इतना बदनाम इसने कर वर्ल्ड में कर दिया, मगर जना हाउस पे मगर आग लगा दी, या वहाँ पे कैसे हो गया? ये तो कहते हैं कि यार गवर्नमेंट ने खुद किया, गवर्नमेंट पागल की पुत्र है, वो बंदे उधर जो CCTV कैमरे लगे हैं, जो बंदे पकड़े हैं या जो उसमें आए हैं उनको देख लेना भाई, ये गवर्नमेंट के बंदे हैं या मैं के ये अपना इमरान के तहरीक इंसाफ के बंदे थे, ये तो है, अब तो वो दौर ही नहीं रहा ना कि बंदा लुक छुप सकता ही नहीं है। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सर नाम आपका?
मोहम्मद इरफान भट्ट। जबरदस्त सर, सर आपकी बहुत सारी न्यूज़ सुनी हमने आपके बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हम मुल्क के लिए, और आपके जैसे बंदों की बहुत ज़्यादा आशा ज़रूरत है। मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं जहाँ पर एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस का हम सब सामना कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को। सर मैं पूछना यहाँ पर ये चाहूँगा कि जो जो भी हालात हैं अभी हमारे, जो हालात मुल्क के मौजूदा जो पैदा कर दिए गए हैं, आप सब क्या समझते हैं कि इसको ख़त्म करने में, इन हालात को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? पहली तो बात यह है कि हमें सबको अपना, सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बैक टू बेसिक्स, हमें अपनी बुनियादें जो हैं वो मजबूत करना होंगी। आप जैसे नौजवान नस्ल जो है, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ हमें होनी चाहिए और हक की बात करनी चाहिए और अपनी अकदार को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। जैसे आपने सवाल किया कि हमें कैसे ठीक करना चाहिए, हर इदारे को आपको पाक करना है। मेरे मुताबिक जो है हर इदारे में जो हमारे मुल्क को पीछे किया जा रहा है, और लोग ज़्यादातर जो सियासी महाज पे लड़ रहे हैं वो हमारा एजेंडा नहीं फॉलो कर रहे, वो किसी और का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। मैं ये हक की आवाज़ है, तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारा मुल्क इतनी कुर्बानियों से लिया गया है, आप लोगों को शायद एहसास नहीं, लेकिन दियारे गैर में रहते हुए, बाहर मैं यूके में रहता हूँ, तो यकीन माने अल्लाह करे कि आप में वो फीलिंग्स आएँ कि आज़ाद मुल्क कितनी बड़ी नेमत है और कितनी जिद्दोजहद के बाद हमने ये खिता हासिल किया। ये स्टैब्लिशमेंट में नहीं हासिल किया, अब तो ओपन हो गया, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान थी, हमारी प्राइड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे जनरल्स नहीं, बहुत से जो अलीट है, जो अपर रैंक के लोग हैं, वो किरदार अदा नहीं कर रहे। तो हमें पाक फौज को गद्दारों से पाक करना है, पाक फौज को और पॉलिटिशियन में जो गद्दार है उनको पाक करना है और अपना किरदार अदा करना है कि ये मुल्क हमारा मुल्क है और इसको हमने लिया था, अपनी जो इकदार हैं अब उसको प्रमोट करने के लिए, ये हमारा। बिल्कुल सही हो गया सर। सर एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि पॉलिटिशियंस देखे सर, क्या आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन के अंदर यूनिटी है? क्या आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन मुल्क के लिए काम करते हैं या अपनी जात के लिए काम करते हैं? मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उसके तहत आप अंदाज़ा लगाइएगा। अभी लोकल इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर लोकल इलेक्शन चल रहे हैं, अभी बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस खड़ी है। कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हुए तो उसके अंदर बीजेपी को डिबेट करके कांग्रेस जीत गए, तो नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट करके कहा कि कंग्रेचुलेशन के आप इलेक्शन जीत गए हैं। सर देखिए कितना बड़ा जेस्चर दिया दुनिया को ये बताया कि भाई हमारे अंदर यूनिटी है, चाहे लोकल सतह पर वो जीत गए लेकिन जो मुल्क के अंदर इक्का वो अभी भी बीजेपी का। सर देखिए इस किस्म के खिलाफ हमें ज़रूरत है या नहीं, हमारे पॉलिटिशियन को इस किस्म के जेस्चर देना चाहिए या नहीं? दुनिया के आगे हम किस तरह के इमेज शो कर रहे हैं और इंडिया देखें किस तरह के इमेज शो कर रहा है, इसके थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है जो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें यूनाइट होके, सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन हमारे यहाँ पे रिग्ड होते हैं। आप इंडिया की आपने बात की, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इतनी धांधली होती जितनी हमारे यहाँ होती है। जब तक ये रिग्ड इलेक्शन, मैं आपकी विसादत से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहूँगा, मैं खुद भी 20 साल पॉलिटिक्स में रहा हूँ, 20 साल ग्राउंड रूट से एज ए प्रेजिडेंट बना यूथ विंग लाहौर का, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहा मेन तहरीक है, फिर यूके में मैंने पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देखा। तो यहाँ पे इलेक्शन सब रिग्ड हैं, तमाम जमातों को लाया जाता है, इस वजह से हमारी वो यूनिटी जो आप बात कर रहे हैं वो करैक्टर बिल्ड नहीं हो रहा। जब आप पेड पॉलिटिशियन लाएंगे तो वो तो वही बात करेंगे जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, तो इसलिए हमें जेन्युइन सब, आपका हल ये है अगर आप ये बात चाहते हैं, अगर आपने अपने बच्चों का अपना मुस्तकबिल बनाना है। मैं बहुत सी बातें राज मेरे दिल में है क्योंकि मैंने बाहर की पॉलिटिक्स देखी और यहाँ की भी। डिफरेंस देखा, मेन डिफरेंस बताइएगा, बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस। ओवर देयर जस्ट वन डिफरेंस कि दिस इज माय कंट्री, यूके माय कंट्री, हमारे इधर अपने ही मुल्क को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। आपके मुल्क में ये होता, आपकी मिसाल भी हम ऐसे देते हैं कि आपके मुल्क में ये होता, आपके मेरे मुल्क में ये होता, कोई नहीं कहता। एग्जैक्टली, जब आप में ये होगा दिस इज माय कंट्री, अगर कोई भी, जैसे हम कॉलेज पढ़ते थे तो लोग वहाँ की वो लाइटें लगा के गए तोड़ना शुरू कर दी, और हमें ये पैदा कर उसको रोकना चाहिए था। तो ये बच्चे को नशो नमा दें, आप कहीं भी चले जाएं,
अगर आपका मुल्क स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। ये लिख लें, मैं आप नौजवान हैं और ये लेडीज़ जो आप इंटरव्यू कर रही हैं, अगर कहीं भी चले जाएं, वो आपको वकार वो इज्जत ना मिलेगी जब तक आपका मुल्क स्ट्रांग ना होगा। तो यकीन माने इन नौजवानों को मैं कहूँगा कि खुदारा कि आप अपना जो है वो करेक्टर बिल्ड करें लोगों में, वरना वो कहते हैं ना कि मुझे वो बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रोह रस में शाहबाजी। जैसा माहौल देंगे वैसी आप जनरेशन लेंगे, और अगर आप कॉपी करेंगे वेस्ट की, यकीन माने फिर आपका अपनी आइडेंटिटी जो है वो मिट जाएगी। तो बस सर लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपको इजाजत है, आपका कीमती टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह से अभी ग्रोथ कर रहा है इंडिया, अब दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया सर, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अभी भी हमारी बातचीत चलती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को जब दबाव थोड़ा आ जाता है तो वो कश्मीर की बात कर लेते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो सर आप बताइएगा कि जुल्म और ज्यादती यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कश्मीर की बात को छोड़कर पहले अपने इस मुल्क को जो हमने कश्मीर बनाया हुआ इसको कब ठीक करेंगे हम? देखें ये एग्जैक्टली देखें, जब तक आप खुद ही नहीं कुछ कर सकते तो आप दूसरे भाई को क्या करेंगे। और ये अगेन एस्टैब्लिशमेंट ने हमारी जो बिजनेसेस हैं, जब आप फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, डैम नहीं बनेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च, अब ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं सब लोग। तो जब तक आप बिजली सस्ता ना करेंगे, डैम को कौन नहीं बनने दे रहा है, हम सबको मालूम है। तो खुदारा अपनी बड़े टैलेंटेड यूके में डॉक्टर्स इंजीनियर्स हर इंसान में टैलेंट है, आप अपने आप को कम, जब तक रिसर्च सेंटर बेसिक आप फैशन की कॉपी करते हैं, हॉस्पिटल का हाल देखें, आप जाके किसी भी रिसर्च सेंटर का हाल देखें, कोई नहीं है। तो जब तक आप अपनी प्रोडक्शन बिल्ड ना करेंगे, लोगों को टेक्निकल बनाएंगे, ये प्रॉपर्टी डीलर सब बन चुके हैं। अब मुल्तान में क्या किया है एजेंसियों ने, DHA ने बना दिया, दरख्त आम के मैंगो के दरख्त काट कर वहाँ पर उन्होंने वो अपना सोसाइटियाँ बना दी, इतना मुझे दुख